हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन त्रागी, द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं और आपकी ट्रेनिंग अभी चल रही है या फिर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे अपलोड करना है जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको आना है स्टिमुलेट साइट के अंदर। स्टिमुलेट साइट के अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा। चलिए देख लेते हैं कहां पर ये अपलोड का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं इस तरह की विंडो आपके खुल के आएगी और आपको जाना है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, यहां पे ये जो टैब है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग वाला, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहला ही आपको टैब मिलेगा लॉन्ग टर्म स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट एंड रिपोर्ट। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा जो भी आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की होगी उसका यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो भी आपने ट्रेनिंग जहाँ से भी आपने की है तो वहाँ पे जब भी आपने इनरोल कराया होगा तो उसका ही स्टेटस यहाँ पे आएगा। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है एंड और यहाँ पे आना है अपडेट ट्रेनिंग रिपोर्ट। जैसे आप यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी कि कहाँ से आपने ट्रेनिंग शुरू करी थी और क्या क्या चीज़ें, कितनी आपने लीव ली है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे कि कौन से कहाँ पर आपकी फाइल है, तो यहाँ पे मैं चूज फाइल कर लेता हूँ। जैसे आप चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो अपलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सबमिट पर। जैसे आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर मान लो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हैं लाइक EDP PDP इस तरह से हैं तो आप इनको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे कुछ नए लॉ टॉक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे, कीप लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।